जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय में पाठ संख्या 4 गुड पर्सनल हैबिट्स जो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है उसकी एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। कौन सा प्रश्न है? तीसरा, ठीक है। क्या है प्रश्न? मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, मैच कॉलम ए विद बी, ए कॉलम को बी से मिलाना है, ठीक है, ए कॉलम को बी से मिलाना है। अब आप लोगों को बच्चों देखो, इधर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा चित्र किससे जुड़ा हुआ है हमें उसको आपस में मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, टीथ, क्या है, टीथ, दांत है ना, हाँ, तो दांत का जुड़ाव इस साइड वाले कौन से चित्र से है, दांतों का संबंध इस साइड वाले कौन से चित्र से है, हाँ ब्रश से, किससे, ब्रश से है ना बच्चों। क्यों, दांतों को किससे साफ करते हैं, ब्रश से है ना, तो ये लो इसको इससे मिला लिया, ठीक है, इसको इससे मिला लिया। दांतों का संबंध किससे, ब्रश से है ना, अपन लोग दांतों को साफ किससे करते हैं, ब्रश से ही करते हैं ना, तो इसको दांतों को ब्रश से मिला लिया। ऐसे ही बाकी चित्रों को आपस में मिलाना है, ठीक है, ऐसे ही बाकी चित्रों को हमें मिलाना है। दूसरा देखो क्या है, हाथ, क्या है, हाथ, गंदे हाथ है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, हाथों को साबुन से, खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद धोते हैं ना साबुन से हाथ, तो हाथ धोने से जुड़ा हुआ है कौन सा, साबुन से, किससे, साबुन से, ठीक है ना बच्चों। हाथ किससे धोते हैं, साबुन से। दांत साफ किससे करते हैं, ब्रश से, ठीक है। ऐसे ही अब है नाखून, बड़े बड़े नाखून, नाखून दिख रहे हैं ना तीसरे चित्र में, तो इसका संबंध किससे है, नाखूनों का संबंध किससे है, हाँ नेल कटर से, किससे, ये नेल कटर, नाखून काटने वाला, ठीक है, हो गया ना जुड़ाव। दांतों का संबंध ब्रश से, इसको इससे मिला लिया। हाथों का संबंध साबुन से, मतलब हमेशा साबुन से, गंदे हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बड़े बड़े नाखून हैं तो नेल कटर, मतलब नाखून काटने वाले से इसको मिला लिया। फिर देखो डी चित्र, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बाल बिखरे हुए हैं ना एक लड़के के, हाँ, तो बाल जब बिखर जाते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाँ कंघी से। बालों में किसका उपयोग होता है बिखरने पर, कंघी का, किसका, कंघी का, समझ गए बच्चों। तो ये था आपने प्रश्न, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, ए कॉलम को बी से मिलाना है, जिसमें ए चित्र क्या है, दांत दिखाई दे रहे हैं ना साफ, तो साफ दांतों को हम किससे साफ करते हैं, ब्रश से, किससे, ब्रश से, तो इसलिए इसको हमने किससे मिला लिया, ब्रश से। फिर क्या है, हाथ, हाथों को किससे धोते हैं, साबुन से, तो SOAP सोप यानी साबुन, तो हमने किससे मिला लिया इसको, साबुन से, ठीक है। हाथों को किससे धोते हैं, साबुन से, ठीक है। फिर क्या है, नाखून, क्या है, नाखून बड़े हुए हैं ना, तो नाखूनों को किससे काटते हैं, नेल कटर से, किससे काटते हैं, नेल कटर से, है ना। वैसे ही फिर क्या है, बिखरे हुए बाल हैं, तो बिखरे हुए बालों को सही किससे करते हैं, कंघी से, किससे करते हैं, कंघी से, ठीक है ना बच्चों।
तो ये हो गई अपने एक्टिविटी फर्स्ट का प्रश्न संख्या 3, ठीक है। हाँ, अब ये आप लोगों को अपनी अपनी किताब में मिलान करना है ऐसे, ठीक है। जय श्री कृष्णा।